आज हरियाणा के कैथल में आयोजित संत गुरु रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल तथा अंबाला लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया ने कार्यक्रम में भाग लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री के स्टेज संबोधन से पहले ही लोगों ने कार्यक्रम से जाना शुरू कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तहसील स्तर पर अंत्योदय कार्यालय खोले जाएंगे, जहां पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे। सरकार द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति योजना की वार्षिक आय की शर्त को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाएगा तथा आउटसोर्सिंग भाग 1 और 2 में इस वर्ष से प्रथम चरण में 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष से काशी की यात्रा के लिए 5,000 लोगों को मुफ्त रेलवे यात्रा का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने भी भक्ति के साथ साथ कर्म को महत्व दिया था। उन्होंने संत रविदास से ने दयालुता का परिचय देते हुए कहा है कि पीड़ित समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पिछली सरकारों में दलितों और पिछड़े वर्गों पर जो अत्याचार हुए हैं, उन्हें लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। प्रदेश में गोहाना, दुल्लीना, मिर्चपुर में दलितों पर हुए अत्याचारों को याद करके आज भी हम सिहर उठते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को विश्वास दिलाया है कि ये सरकार सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखेगी तथा अपने दायित्व को पूरी तरह निभाते हुए उनके अधिकारों की समुचित रक्षा करेगी। प्रदेश में कानून का शासन कायम रखते हुए किसी भी व्यक्ति को दूसरे वर्गों के हितों को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार सचेत होकर समाज में घट रही ऐसी सभी घटनाओं पर सजग है और तथा प्रदेश के लोगों को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हरियाणा के कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट।